हल्की हल्की शाम होने को है और दोपहर का टाइम ख़त्म होने वाला है और आप इस वक्त देख सकते हैं गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है और अभी इस वक्त धूप बहुत ज़्यादा तेज़ की जिसकी वजह से हमारी देखिए सारी ज़मीन सूख चुकी है। जहाँ जहाँ हमने सुबह पानी डाला था वहीं वहीं पर ही सिर्फ थोड़ा थोड़ा गीलापना नमी है, वरना बाकी सब ज़मीन हमारी सूख चुकी है। तो गर्मी की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा है और इस वक्त हमारी जो मुर्गियाँ हैं तो वो ये रही, एक बच्चा ये रहा इस दिन भर, इसे तो खाना खाना चाहिए और बचे हुए जो हैं हमारे आराम फरमा रहे हैं। ये अब यहाँ पर खाने आ गया है, मैंने यहाँ थोड़े चावल डाल दिए थे और वहाँ पेड़ों के नीचे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। इस पेड़ लगाने का मेरा यही एक फ़ायदा है जिसकी वजह से ये जो है आराम से पेड़ नीचे छाँव में बैठे रहते हैं। गर्मी हो या बरसात हो, इस पेड़ों से इन्हें बहुत राहत है। इतनी तेज़ गर्मी या बारिश में भी आराम से इन पेड़ों के नीचे छुप सकते हैं। जैसी ठंड आना शुरू होगी तो हम इन पेड़ों को काट देंगे, मतलब इन्हें हल्का कर देंगे। ये अभी भारी बहुत हैं तो इन्हें हल्का कर देंगे हम, जिसकी वजह से धूप आती रहेगी, जिसकी वजह से आराम से यहाँ पर धूप भी लेते रहेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को शाम में मिलूँगा। अभी गर्मी हो रही है, जब मुकम्मल शाम हो जाएगी, पूरी शाम हो जाएगी, तब मैं आपसे मिलूँगा। टाइम मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही ज़्यादा सुकून की जगह पर और शाम का टाइम हो रहा है, असर के बाद का टाइम हो रहा है और 6:30 बजने वाला है। तो इस वक्त आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ खामोशी, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखाता हूँ। आहा क्या मौसम है, आप देखिए क्या नज़ारा हो रहा है। शाम का टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टाइम होता है माशाल्लाह। तो ये जगह है जहाँ पर मैं सुकून के लिए आता हूँ, कितनी बढ़िया जगह है माशाल्लाह, आप देखिए एक बार। तो चलिए थोड़ी आगे तक और चलते हैं, उसके बाद घर चल के अपने। चलिए अब वापस घर पर चलते हैं, बहुत यहाँ पर मज़े कर लिए, बहुत यहाँ पर सुकून ले लिया माशाल्लाह। अब अपने घर पर वापस चलते हैं, मुर्गियों को कुछ खिलाना भी है और उन्हें बंद भी करना है। अभी यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहता इतने बढ़िया मौसम में। तो इनके लिए मैंने चावल ले लिए, इन्हें अब मैं थोड़े से खिला दूँगा और पहले इन्हें मैं थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ, गर्म हो रहे हैं। तो चलिए चावल ठंडे हो चुके हैं, मैं इन बच्चों को ये डाल देता हूँ। मैंने रख दिए हैं, लेकिन सबसे पहले तो इनकी माँ ही आ रही है, जो अब माँ नहीं रही इनके लिए, क्योंकि अभी इन्हें मार रही है, तो इस वजह से हम इन्हें यहाँ पर रख देते हैं। देखते हैं खाते हैं या नहीं, वैसे इनका पेट तो फुल है, मैंने इन्हें भी खिला दिया था इससे पहले अभी।
माँ तो खा रही है इनकी, लेकिन ये नहीं खाना चाह रहा है ज़्यादा। एक ही बच्चा खा रहा है। चलिए ये खा लेंगे ये। तो शाम का टाइम हो चुका है, अब इन्हें बंद करने का भी वक्त आ चुका है और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब इन्हें मैं बंद करने जा रहा हूँ। इन्हें खिला दिया पिला दिया मैंने आपको जैसे कि दिखाया, और इंशाल्लाह फिर आपसे एक और नए व्लॉग में कल मिलूँगा। तब तक